हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक छोटे से स्ट्रक्चर के बारे में जो काफ़ी यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। इसका नाम है आउट ऑफ नोवेयर। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ नोवेयर का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी होता है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मैं मार्केट में खड़ा था, न जाने कहाँ से एक बंदा आया और उसने मुझे हिट करना शुरू कर दिया, उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, या आप कह रहे कि यार मैं कार चला रहा था, न जाने कहाँ से एक बाइक आई और बाइक ने मुझे हिट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा और अचानक से कहीं से कोई आ जाता है या कहीं से कुछ कोई चीज़ आ जाती है और कुछ हो जाता है, वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ नोवेयर का। यानी कि आउट ऑफ नोवेयर को हिंदी में कह लीजिए न जाने कहाँ से। अब कुछ भी आप सोचिए सेंटेंस, न जाने कहाँ से वो बंदा आ गया, ऐसे भी कह सकते हैं। न जाने कहाँ से वो बॉल आ गया, ऐसे भी आप कह सकते हैं। इट मीन्स कि अगर अंग्रेजों की तरह से सोचे तो है कि अनएक्सपेक्टेडली एंड सडनली, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, अचानक से ही ऐसा कुछ हो गया, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे आउट ऑफ नोवेयर का। सेंटेंसेस देखते हैं गाइस। देखिए यहां लिखा हुआ कि I was driving my car and मैं अपनी कार चला रहा था, and when I turned left then, और जब मैं left turn किया, left घुमा, तब out of nowhere a bike appeared and ran into my car। न जाने कहां से एक बाइक वहां पर आ गया और उसने मेरे कार को हिट कर दिया, यानी कि गाड़ी को ठोक दिया। रन इनटू का मतलब होता है हिट कर देना, तो रैन उसका सेकेंड फॉर्म है। तो आप देख रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर अ बाइक appeared, यानी कि एक बाइक जो वहां पर appear हुआ न जाने कहां से आ गया, आउट ऑफ नोवेयर। तो आउट ऑफ नोवेयर का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेडली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां से कोई बाइक भी आ सकता है, मतलब सडनली ऐसा हो गया, तो आप आउट ऑफ नोवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, यह लिखा है कि यस्टरडे आई वॉज सिटिंग इन द पार्क विद माई गर्लफ्रेंड, यानी कि कल मैं पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। आउट ऑफ नोवेयर सम मिसक्रीन्स केम एंड स्टार्टेड पासिंग कमेंट्स, न जाने कहां से कुछ गुंडे आ गए और कमेंट पास करने लगे। आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहां से, कोई क्लियर नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, अचानक से आ गए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा था, अचानक से वो अपीयर हो गए, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे आउट ऑफ नोवेयर का। एक और देखिए, यस्टरडे इवनिंग आई वॉज having a stroll in my balcony, यानी कल शाम को मैं अपने बालकनी में टहल रहा था। स्ट्रॉल का मतलब टहलना, तो I was having a stroll, मैं टहल रहा था। Out of nowhere a ball came and hit me, न जाने कहां से एक बॉल आया और उसने मुझे हिट कर दिया। तो आप अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल्स बनाइए, मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं। कहने का मतलब है कि आउट ऑफ नोवेयर आप तब अपने सेंटेंस में लगाए जब कोई चीज हुआ लेकिन आपने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, ये सडन हो गया, कोई अंदाजा नहीं था, कोई आभास नहीं था कि ऐसा होगा, वहां पर आप आउट ऑफ नोवेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो आज से अपनी स्पोकन इंग्लिश में इसका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लाया था, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।